हाँ दोस्तों, फरार गंगे, उम्मीद है आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी के पावन पर्व में आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप घर पे ही हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से आप दर्शन करें, और काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे आप देख सकते हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज सब श्रद्धालु हर की पैड़ी पर ही स्नान कर रहे हैं, अधिकतर देखा जा रहा है। बाकी घाटों में भीड़ कम है, हर की पौड़ी की सापेक्ष आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहां पे स्नान कर रहे हैं। आप यहां पे देखेंगे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं। कारण ये है कि यहां पे अस्थि विसर्जन की पूजा का कार्यक्रम होता है और यहां पे लाइन लगी हुई है उसके लिए। आप देख सकते हैं आज का दृश्य काफ़ी मनोरम दृश्य है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग चले भी गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग तो गंगा दशहरा स्नान करने ही आए थे और काफ़ी लोग कल और आज दोनों दिन स्नान कर रहे हैं। आपने रेलवे स्टेशन का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख ले, जो यात्रा से जुड़ी अपडेट होती है मैं उसको सुबह सुबह के वीडियो में अपलोड कर दिया हूं। अगर आप नहीं देखें ज़रूर देखें, जिससे क्या है आप अगर आ रहे हैं हरिद्वार माँ गंगा दर्शन, माँ गंगा स्नान, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी वो। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड के समस्त प्लेसों के समस्त जानकारी आप तक पहुंचती रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको अभी जूम करके दिखाया, ये पूरी घाट का दृश्य लगभग मैं आपको दिखा दिया, नए घाट तक का दृश्य दिखाने की कोशिश किया था मैं आपको। काफ़ी ज़्यादा भीड़ आज दिखाई दे रही है, लेकिन ये भीड़ कल के सापेक्ष, गंगा दशहरा के सापेक्ष कम है आज, क्योंकि गंगा दशहरा के दिन तो काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे और काफ़ी जगह घाटों में स्नान करने के लिए जगह भी नहीं था। आज आप देख सकते हैं आज तो जगह है और काफ़ी सारे श्रद्धालु हर की पौड़ी में स्नान कर रहे हैं, नए घाट पे स्नान कर रहे हैं, शिव घाट पे स्नान कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग स्नान कर रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि यहाँ भी लगभग भीड़ ज़्यादा ही है और लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ कारणवश हरिद्वार माँ गंगा स्नान या दर्शन करने नहीं आ पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल के माध्यम से माँ गंगा दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं नई घाट का दृश्य है, काफ़ी सारे श्रद्धालु कह रहे थे कि आप नई घाट का भी दृश्य दिखाइए जहाँ पे अस्थि विसर्जन होता है, तो मैं आपको दिखा दूँ ये नई घाट का दृश्य है, यहाँ पे अस्थि विसर्जन और मुंडन का कार्यक्रम होता है। तो अगर श्रद्धालु कोई भी आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ख़ास तौर पर ट्रेन से आएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, अगर बस या कार या अपने बाइक से आएंगे थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बसें सभी उत्तराखंड बॉर्डर तक ही ड्रॉप कर रही हैं। कार और बाइक से थोड़ी परेशानी हो सकती है बॉर्डर पे। कोविड टेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बॉर्डर पे कोविड टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन आज तारीख 19-20-21 तारीख को बॉर्डर सील कर दिया गया था, यहाँ पे काफ़ी सारे कार यात्रियों को वापस भेज दिया गया है बॉर्डर से ही। लेकिन अभी 22-21 के बाद जो अपडेट है वो आ सकते हैं, लेकिन उनको कोविड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोविड टेस्ट नहीं है तो आपको बॉर्डर पे इसकी सुविधा भी मिल जाएंगी। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि हम वहाँ पे आने के बाद हमें क्या रहना और खाने की सुविधा मिल जाएंगी, तो आपको रहने और खाने की सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। मार्केट खुल रहा है, पहले से ज़्यादा ही खुल रहे हैं, जैसे कि पहले थोड़ा सा कम खुलते थे लेकिन अब खुल रहे हैं, काफ़ी अच्छा सुविधा दे दी गई है। पहले से लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है, ढील दी गई है, तो आप आसानी से आ सकते हैं और अपनी जो कार्यक्रम यहाँ पे है वो कर सकते हैं, या पे गंगा स्नान करने आ रहे हैं तो गंगा स्नान कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है।
काफी सारे श्रद्धालु कहना था कि क्या हम अभी हरिद्वार आ सकते हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि वहां का जल स्तर अभी बढ़ा हुआ है। जल स्तर जरूर बढ़ा हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि आम जनता को परेशानी हो। खासतौर पर हरिद्वार की बात कहूँ तो हरिद्वार में से कोई बात नहीं है जिसे आम जनता को परेशानी हो, खासतौर पर श्रद्धालुओं को। तो आप आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोगों को मैं नई घाट का दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे क्या आप लोगों को आसानी होगा समझने में। काफ़ी सारे श्रद्धालु कहना था कि आप नई घाट का दृश्य दिखाएं, जिससे क्या हम मुंडन कार्यक्रम कराने आ सकें। तो आप देख सकते हैं ऐसे कहीं पे कुछ परेशानी नहीं है, आप अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मैं कोशिश किया हूँ और भी काफ़ी सारे घाट हैं उनका भी दृश्य दिखाने का। मैं आप लोगों को कौ घाट से दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कौ घाट का दृश्य आप लोग देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु, केवल और केवल हर की पौड़ी पर ही स्नान नहीं कर रहे हैं, बाकी घाटों जैसे कि विष्णु घाट से लेके अगर हम आए हर की पौड़ी तक, तो आपको सभी घाटों में श्रद्धालु स्नान करते हुए दिखाई देंगे। खास तौर पर हर की पौड़ी में आज इसका दिखा दे रहा है, क्योंकि कल हर की पौड़ी गंगा दशहरे के दिन हर की पौड़ी को बंद कर दिया गया था और काफ़ी श्रद्धालु आज स्नान कर रहे हैं। चलते हैं आगे की ओर। हर की पौड़ी का दृश्य आपको फिर से दिखाता हूँ। हर की पौड़ी का दृश्य मैंने स्टार्टिंग की में वीडियो पे ही दिखा दिया है और आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ हर की पौड़ी के घाट की ओर। आप देख सकते हैं सभी तरफ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सुंदर दृश्य आज का देखने को मिल रहा है। कल भी गंगा दशहरे के दिन भी काफ़ी सुंदर दृश्य था और काफ़ी इंजॉय कल भी किए हैं श्रद्धालु, और आज भी काफ़ी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं।